इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात में सियासी हलचल अचानक से तेज हो गई है। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल की शपथ आज हो सकती है। उससे पहले गांधीनगर से हमारे गुजरात ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने एक एक्सक्लूसिव खबर दी है। निर्णय कपूर ने खबर दी है कि नए मंत्रिमंडल में विजय रूपाणी कैबिनेट का कोई भी चेहरा रिपीट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि 22 के 22 मंत्री बदल दिए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में पूरी सरकार बदल दी जाएगी। पहले ही मुख्यमंत्री बदला जा चुका है, विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल शपथ ले चुके हैं। लेकिन अब जो और बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 22 कैबिनेट मंत्रियों की जगह अब नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। अब आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने गुजरात की पूरी टीम ही बदल दी, विजय रूपाणी ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। निर्णय कपूर से खास बातचीत में पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने इसका भी जवाब दिया। त्वरित डिसीजन था मेरा, मुझे हाईकमांड से जो आदेश मिला, मैंने जब इस्तीफा दिया उसके अगले दिन रात को हमारे संगठन महामंत्री जी ने मुझे बताया कि आपको इस्तीफा देना है। तो मैंने बता दिया उनको कि 5 साल मुझे पूरा वक्त मिला है गुजरात की जनता की सेवा करने के लिए। इसके लिए मैं मोदी जी और अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे मौका दिया और 5 साल दिया। दूसरा कि नया वातावरण बने, नई लीडरशिप भी आगे बढ़े, ये भी मेरे मन में था। और मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये रिले रेस है कि भाई एक के बाद एक दौड़ते ही जाए। पहले जिस तरीके से केशुभाई, नरेंद्र भाई, आनंदी बेन ने काम किया, मैंने किया, अब भूपेंद्र भाई करेंगे। तो ये हमारी कार्यकर्ता के नाते भूमिका भी मानसिक रहती है कि कोई पद पर हम कायम तो नहीं है। तो ठीक है, पार्टी का हाईकमांड का आदेश है, मैंने दे दिया। और नए नेतृत्व को नया वातावरण के साथ, नई ऊर्जा के साथ आने वाले चुनाव हम साथ में जीतेंगे। तो इस तरीके से मैंने आनंद के साथ अपनी राजी खुशी से मैंने इस्तीफा दे दिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।